समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ऐसे तो सुर्खियों में बने ही हुए थे, लेकिन हाल ही में महिलाओं को लेकर दिए उनके बयान से एक विवाद गहराता नजर आ रहा है। इस बयान को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के फटी जींस पहनने को लेकर बयान दिया है। इसके बाद से ही सीएम रावत लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा युवाओं के फटे जींस पहनने संबंधी बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दलों की मांग है कि सीएम महिलाओं से माफी मांगे। सीएम रावत के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी की है। मोइत्रा ने एक ट्वीट में रावत पर करारा हमला करते हुए लिखा, उत्तराखंड के सीएम एनजीओ चलाते हो और घुटने फटे दिखते हैं, सीएम साहब स्टेट चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। दरअसल सीएम तीरथ सिंह रावत देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। वहां पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल महिलाएं फटी जींस पहनती हैं, उनके घुटने दिखते हैं, ये कैसे संस्कार है, ये संस्कार कहां से आ रहे हैं, इससे बच्चे क्या सीख रहे हैं और महिलाएं आखिर समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं और घुटनों पर फटी जींस पहनकर खुद को बड़े बाप की बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों पर फटी जींस खरीदने जाते हैं और अगर फटी ना मिले तो उसे कैंची से काट लेते हैं। उन्होंने इस संबंध में एक घटना का भी उल्लेख किया और बताया कि एक बार जब वह हवाई जहाज में बैठे थे तो उनके साथ एक महिला बैठी थी जो गम बूट पहने हुए थी। उनकी जींस घुटनों पर से फटी हुई थी, हाथों में कई कड़े थे और उनके साथ दो बच्चे भी थे। रावत ने कहा कि वह महिला एनजीओ चलाती है जो समाज के बीच में जाती है और स्वयं उनके दो बच्चे हैं लेकिन घुटने फटे हुए हैं, तो ऐसे में वह क्या संस्कार देगी। देखे पहले आप भी कि नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने क्या विवादित बयान दिया। जहाज में जब बैठा था तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठे हैं, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, हस्बैंड कहाँ है, जीएनयू में प्रोफेसर है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में है, क्या संस्कार दूं। तो युवतियां भी भाग रही उस ओढ़ में, उस दौड़ में, और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं, जो सुना जो देखा। तो जो आजकल यार टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है, लेकिन उसको गाइडेंस देना है। परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है, स्कूल में बच्चा 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रहता है, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है, वो अभिभावक क्या संस्कार दे रहा है। अभिभावक में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, जो पढ़ाने वाला टीचर है वह भी अभिभावक में आता है, हर कोई अभिभावक में आता है, बच नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहा हूं, खान पान किस तरह का, रहन सहन किस तरह का, वो क्या देख रहा है, वो जो देखता है वो करता है। स्कूल में किताबी ज्ञान शिक्षक ने दिया है, लेकिन मैंने कहा संस्कार घर से।
सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर महुआ मोइत्रा के ट्वीट के साथ साथ कईयों के ट्वीट कर उन्हें करारा जवाब दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी की है। महुआ ने एक ट्वीट में रावत पर करारा हमला करते हुए लिखा, उत्तराखंड के सीएम एनजीओ चलाते हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब स्टेट चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर टिप्पणी की। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा। He should be ashamed of himself and he should apologize to all the women of this country. This entire idea of Bharatiya Janata Party and their elected CM has been that of trying to justify, judge women on the base of the clothes that they wear. We've seen the Haryana Chief Minister do that. We have seen the Goa former Chief Minister do that. We are now seeing the Uttarakhand Chief Minister doing that. It just goes on to show their anti-women mindset and also shows how they are scared of women who feel empowered enough to step out of their homes in clothes of their choices. वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे कद के व्यक्ति को किसी के पहनावे पर अशिष्ट टिप्पणी बिल्कुल शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक अमर्यादित और ओछी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री होने से आपको यह प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता कि आप किसी के व्यक्तिगत पहनावे पर टिप्पणी करें। उन्होंने मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचने की भी सलाह दी और कहा कि इनसे जन भावनाएं आहत होती हैं। तीरथ सिंह जी, मुख्यमंत्री हो जाने से आपको यह सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं मिलता कि आप लोगों के पहनावे और उनके खान पान पर टिप्पणी करने लगे। आपका बयान सच में निंदनीय है। देखिए आपकी कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने क्या कहा। चाहे आम आदमी या मुख्यमंत्री, भाषा की मर्यादा हर एक को रखनी चाहिए। अभी हाल ही के अपने बयान में नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बहुत ही ओछी और अमर्यादित टिप्पणी करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजकल के बच्चे फटी जीन्स पहनकर अपने आप को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। मैं समझती हूं कि मुख्यमंत्री जैसे स्टेचर के व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित अशिष्ट टिप्पणी बिल्कुल शोभा नहीं देती। एक तरफ आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट कहीं नहीं मिल जाता कि आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करें, उनके पहनावे पर टिप्पणी करें। और ऐसे बयानों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे जनभावनाएं आहत होती हैं। वहीं अब फटी जीन्स वाले सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत ने भी पलटवार किया है। हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी महिलाओं की फटी जींस पहनने पर या कटी हुई जींस पहनने पर बहुत खफा हैं। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जींस पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। आगे देखिए हरीश रावत ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान दीजिए, अभी तो आप केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदल कर कुछ वाई बटोरने के काम में खुद और भाजपाइयों को लगाए हुए हैं। सीएम रावत के इस बयान पर कई फिल्मी सितारे भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीएम रावत के इस बयान पर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा भी गुस्से में दिखाई दी। अब अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी सीएम रावत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम रावत के इस बयान पर अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवेली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फटी जींस पहने हुए फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलो, मैं अपनी रिप्ड जींस पहनूंगी, थैंक यू, मैं उन्हें गर्व से पहनूंगी। इसके आगे अन्य एक स्टोरी शेयर करते हुए नव्या ने सीएम रावत से पूछा, क्या वह सही माहौल उपलब्ध करा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब नव्या ने किसी मुद्दे या बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी वो कई बार अपनी बात रख चुकी हैं।
नव्या ने कुछ समय पहले ही प्रोजेक्ट नवेली लॉन्च किया था, जिसका मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं अब बॉलीवुड की मशहूर गायिका सोना महापात्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोना महापात्रा सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अक्सर बेबाकी से बयान देने के लिए जानी जाती हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद सोना महापात्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर साझा की। उन्होंने अपनी तस्वीर साझा करते हुए रिप्ड जींस को लेकर प्रतिक्रिया दी है। तस्वीरों को साझा करते हुए सोना महापात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं नमी के कारण जींस नहीं पहनती हूं और यहां गर्मी है, लेकिन मैं अपनी रिप्ड टी शर्ट और संस्कारी घुटना दिखाने के लिए खुश हूं। जो लड़कियां रिप्ड जींस पहनती हैं, उन्हें भारत में किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम गौरवशाली कोणार्क, खुजराहो, मोडेरा, थ्यूरम, विरूपाक्ष की भूमि है। वहीं बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी ने अपने ट्वीट में लिखा, रिप्ड जींस के साथ क्या करने का प्रचलन है, लोग जो चाहेंगे वही पहनेंगे, इस तरह की बातें बंद करो, हम उत्तर कोरिया की तरह लग रहे हैं क्या। प्रीतिश नंदी ने इस तरह तीरथ सिंह रावत के रिप्ड जींस के बयान पर पलटवार किया है। प्रीतिश नंदी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।